नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। चलते हैं आज की इस खास खबर की ओर। प्रमुख खबर, अंधशिक्षक शिक्षा मित्रों का मानदेय विलंब से हुआ जारी। सब्जेक्ट मैपिंग होने के बाद ही अंधशिक्षक ट्रांसफर आदेश जारी हो पाएगा। अंधशिक्षक मानदेय 17,000 डबल बेंच के आदेश का सभी को इंतजार। खबर विस्तार से, मानदेय अधीक्षक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय, ये लेटर जारी हो चुका है। शिक्षा में तो अंधशिक्षकों के लिए मानदेय से संबंधित है। अगस्त माह का मानदेय प्रेषण कर दिया गया है। संभवतः आप सभी के खातों में मानदेय पहुंच गया होगा, कहीं अभी नहीं पहुंचा है तो वो भी आप सभी के खातों में जल्द से जल्द मानदेय पहुंच जाएगा। आपको बताना चाहेंगे, इस बार मानदेय काफ़ी विलम्ब से आया है अंधशिक्षकों का, और ये विलम्ब क्यों हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, ये एक बड़ी समस्या अभी भी बरकरार है कि समय से अंधशिक्षक शिक्षा मित्रों को उनका मानदेय, जो कि अल्प वैसे भी है, बहुत कम है, फिर भी उसको नियत समय पे वो नहीं मिल पाता है। ये एक बहुत ही अत्यंत निराशाजनक बात है और खेदजनक बात है विभाग के लिए कि अंधशिक्षक और शिक्षा मित्रों का सब समय मानदेय क्यों नहीं आ पाता, हर बार लेट हो जाता है, कोई ना कोई समस्या आ जाती है और उनका मानदेय हमेशा देरी से पहुंचता है। ये एक बड़ी समस्या है साथियों। लंबे समय से ये अपने मानदेय की, सम्मानपूर्वक मानदेय की, समान कार्य समान वेतन की मांग कर रहे हैं, लेकिन हमेशा इनको निराशा हाथ लगी है विभाग और सरकार की ओर से, और ऐसे में भी उनका मेहनताना देरी से पहुँचे तो ये एक अत्यंत दुखद घटना है और एक असफलता कह सकते हैं सरकार और विभाग के लिए इन शिक्षा मित्र अंधशिक्षकों के संबंध में। एक और बड़ी खबर आ रही है साथियों, जब तक आपकी सब्जेक्ट मैपिंग नहीं होगी, यानी कि अंधशिक्षक और शिक्षा मित्रों की सब्जेक्ट मैपिंग का कार्य जब तक पूर्ण कर लिया नहीं जाएगा, तब तक आपका ट्रांसफ़र आदेश जारी नहीं हो पाएगा। ये एक गुप्त सूचना आ रही है। पूर्ण सजीवन है इंसान का, लेकिन अहंकार सागर से भी बड़ा है। अंधशिक्षकों को बड़ा मानदेय देने के मामले में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया। ये बड़ी खुशखबरी है, अंधशिक्षकों के मामले में सुरक्षित कर लिया है फैसला अपना, और जल्द आदेश सुनाया जाएगा। निर्णय सुरक्षित है, और जिसके लिए अंधशिक्षक लगातार 5 साल से लड़ाई लड़ रहे थे मानदेय 17,000 को लेकर, सिंगल बेंच में जीत चुके थे और डबल बेंच में उन्हें अब मामला सुरक्षित रख लिया गया। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, उनका ये कामना ईश्वर ज़रूर पूरी करेंगे और डबल बेंच से भी उन्हें निश्चित विजय प्राप्त होगी। समस्त अंधशिक्षकों में एक खुशी की लहर है और आशा की किरण बरकरार है। माननीय हाईकोर्ट के आदेश का बेसब्री से इंतज़ार इन अंधशिक्षकों को। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं फैसला आपके हक में हो। साथियों, ये थी अब तक की खास खबर। मिलते किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, कोविड गाइडलाइंस का पालन कीजिए, धैर्य बनाए रखिए, किसी पर टीका टिप्पणी ना करें, ये आपके हित में होगा। इस बात को आप ध्यान रखें और अपने जहन में बिठा लें कि इस समय अत्यंत नाजुक दौर से आपका जो समय वो गुजर रहा है, इसलिए कोई भी टीका टिप्पणी करने से बचें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।